सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरगांव के ओटी रूम से वायरल हुए वीडियो के बाद सूबे के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर दी है। क्या वो पोस्ट किया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने और क्या कुछ कड़े निर्देश दिए गए हैं सूबे के सरकारी अस्पतालों के लिए, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी जी के पास। तो अनूप जी, बताइए कि जो एक हरगांव में वायरल वीडियो हुआ था ओटी रूम से, उसमें कुछ लोगों पे कार्रवाई भी हुई थी और अब डिप्टी सीएम ने कड़ा रुख अपनाया है, एक बार फिर से क्या निर्देश जारी किए गए हैं उनके द्वारा? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि विगत 8 नवंबर को एक वीडियो जो है हरगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो है ओटी का वायरल हुआ था, जिसमें महिलाओं की नसबंदी हो रही थी, चल रही थी, ऑपरेशन हो रहे थे और उसमें किसी ने 45 सेकंड का जो है वीडियो बना लिया था जिसको वायरल कर दिया था। क्योंकि महिलाओं से संबंधित प्रकरण था, महिलाओं की निजता का हनन हो रहा था, इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने और उन्होंने उसी दिन बहुत सख्त निर्देश जारी किए थे, जिसके कारण उसी दिन रात में एक FIR दर्ज होती है, जिसमें जो है सत्यप्रकाश और अतुल अवस्थी जो ट्रेनी फार्मासिस्ट थे उनके विरुद्ध और एक अज्ञात के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत होता है। साथ ही CST अधीक्षक को भी यहां से हटा दिया जाता है, उनको एहलिया कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनका वेतन भी रोकने के आदेश होते हैं और जो डॉक्टर उस समय थे ओटी में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। इस तरह से ये प्रकरण जो है काफी गंभीर था, इसलिए तुरंत आनंद खान में FIR हुई और उसमें एक अज्ञात के ऊपर भी FIR हुई है जिसकी तलाश चल रही है। और आपको बताएं कि सर्विलांस की मदद इसमें ली जा रही है और पुलिस लगी हुई है। इस संबंध में जो है पूरे प्रदेश में इस तरीके की कोई घटना न होने पाए, महिलाओं की निजता का मामला है, इसलिए जो है आज जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बहुत सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने प्रियांशु जी अपने जो निर्देश जारी किए हैं या एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें जो है सीतापुर की घटना का जिक्र भी किया है कि जनपद सीतापुर में हरगांव CST के लेबर रूम ओटी कक्ष के वायरल वीडियो की गंभीर घटना के दृष्टिगत भविष्य में पुनः इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए तत्काल शासन स्तर से प्रदेश के सभी जिला संयुक्त अस्पताल CST प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्वास्थ्य उपकेंद्र हेत उन्होंने आदेश जारी किए हैं। आपको बताएं कि उन्होंने जो निर्देश जारी किए उसमें अब जो है लेबर रूम में मोबाइल और कैमरा पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा चुका है। उन्होंने लेबर रूम में मोबाइल और कैमरा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। लेबर रूम में चिकित्सक के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष कर्मचारी, चाहे वो ट्रेनी हो या अन्य कर्मचारी हो, उसका प्रवेश जो है निषेध किया जाए, ऐसे निर्देश दिए हैं। साथ ही लेबर रूम में रोगी की निजता का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों का व्यवहार रोगी के प्रति सकारात्मक तथा सद्भावपूर्ण होना चाहिए, ये भी निर्देश जारी किया है। मानकों के अनुरूप साफ सफाई की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो, इसके भी निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इन्होंने जो निर्देश जारी किए हैं वो सभी चिकित्सालयों के जो है चिकित्सा अधीक्षक, अधीक्षकों, उपकेंद्र के प्रभारियों को ऐसे निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। जी बिल्कुल, तो काफी सख्त एक बार फिर नजर आए हैं सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और हरगांव CST के ओटी रूम से महिलाओं की नसबंदी का एक 45 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पूरे जिले से लेकर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ था और इसमें तमाम तरह के सवाल जो है स्वास्थ्य कर्मियों पर उठे थे कि उसमें जो मरीज है उसकी निजता का हनन हो रहा था, जिस मामले में आपको बता दें डिप्टी सीएम ने कड़े निर्देश दिए थे सीएमओ को, जिसमें आपको बता दें CST अधीक्षक पर भी कार्रवाई हुई थी, उनका तबादला हुआ था, अन्य लोगों पर भी कार्रवाई हुई थी, साथ ही दो नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने की कार्रवाई की गई थी और हड़कंप मच गया था, जिसके बाद एक बार फिर जो है डिप्टी सीएम ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जो पोस्ट किया है और निर्देशित किया है प्रदेश के सभी जो अस्पताल है सरकारी अस्पताल उनके मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अधीक्षकों, उपकेंद्र प्रभारियों को ये जो है उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि जिला अस्पताल
अस्पताल लेबर रूम जो होता है अस्पताल का, उसमें मोबाइल और कैमरे को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। साथ ही जो इन्होंने दूसरा बिंदु लिखा है, लेबर रूम में चिकित्सक के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष कर्मचारी, चाहे वह ट्रेनी हो या कोई अन्य कर्मचारी, उसका प्रवेश निषेध किया जाए और लेबर रूम में रोगी की निजता का पूरा ख्याल रखा जाए और उन कर्मचारियों का व्यवहार रोगी के प्रति सकारात्मक तथा सद्भावपूर्ण होना चाहिए। तो जो हड़गांव के सीएससी के लेबर रूम से जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें जो है काफी एक हिसाब से बदनामी भी हुई थी और तरह तरह के सवाल भी खड़े हुए थे, लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ये निर्देश अब दिए हैं। अब देखना होगा कि इसका कितना पालन होता है और मोबाइल और कैमरे को जो बैन किए जाने की बात है उस पर कितना अमल होता है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए अनूप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।